प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एनेक्सी भवन के सभागार में 8 जनवरी को कानपुर में होने वाले व्यापारी समाज एवं वैश्य समाज के आगाज को सफल बनाने के लिए जनपद के व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 8 जनवरी को कानपुर के निराला नगर में व्यापारी समाज एवं वैश्य समाज का प्रदेश स्तरीय विशाल सम्मेलन आगाज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मार्गदर्शन सभी व्यापारियों के प्राप्त होगा तथा व्यापारी वर्ग की बेहतरी एवं वैश्य समाज की बुलंद आवाज बनकर समाज के हितों के लिए अनवरत समर्पित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी एवं वैश्य समाज के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहकर एक दूसरे का साथ दिया तथा उन्होंने सभी व्यापारियों से आगाज के कार्यक्रम में सुबह 11:30 सपरिवार रेलवे ग्राउंड निराला नगर कानपुर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनपद से 504 पहिया वाहन तथा हजारों बसों की लिस्ट आ गई है तथा इस कार्यक्रम में लाखों लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग शामिल होंगे। वहीं इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रभारी सिद्धार्थ जायसवाल ने कहा कि व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हेतु मिर्जापुर मंडल के सभी जिलों के प्रमुख बाजारों में बाइक रैली एवं ड्रोन के माध्यम से विशेष तौर से प्रचार किया जाएगा तथा साथ ही साथ सभी बाजारों में व्यापक जनसंपर्क करके लोगों को भारी संख्या में 8 जनवरी को कानपुर पहुँचने के लिए सपरिवार आग्रह किया जाएगा। सरकार से बाकी कभी लोगों ने कार्रवाई की, हमने तो कार्रवाई कर करके चिट्ठी लिख दी गई है भारत सरकार के माननीय मंत्री जी जो शिक्षा उच्च मंत्रालय से जाकर के मैं मिलकर तत्कालीन माननीय मंत्री जी से और इस समय माननीय मंत्री जी से मिल मिल करके हम पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए ले आए और ला करके राज्य आयोग के सलाहकार सदस्य हम बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जितेंद्र जायसवाल जी चेयरमैन प्राइज आत्म स्वागत के महापौर महान विभूति श्री सीताराम जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपकी ये जानकारी में थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि आजाद के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने साथ मीटिंग की है और आप सभी लोगों का समर्थन सहयोग प्राप्त हो रहा है। 8 जनवरी को भारी मात्रा में व्यापारियों के पहुंचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक मार्गदर्शन के लिए माननीय पीयूष गोयल जी का भारत सरकार हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा से बैठक की जा रही है। जिसके लिए मैं चाहूंगा कि श्री अरुण जायसवाल जी आप सभी लोगों को इसके बारे में और विस्तार से बताएं। इस वृक्ष नाम के धरती पर वैश्य और व्यापारी सम्मेलन के जो भी आगाज कानपुर में किया जा रहा है, इसके तत्वावधान में आज की अध्यक्षता हमारे गोरखपुर का महापौर माननीय सीताराम जायसवाल जी और आज के मुख्य अतिथि हम लोग उड़ैन मंत्री वैश्य समाज का शाम आम और वैश्य समाज का पूरे प्रदेश और केंद्र में नाम रोशन करने वाले माननीय नाम पाटिल जी को हम पूर्वांचल के धरती पर अभिनंदन करते हुए हम लोग मंत्राइज के पप्पू जायसवाल चंद्र जायसवाल जी उनको हार्दिक वंदन करते हुए देवैया से आए हमारे बड़े भाई रामचंद्र जायसवाल जी व्यापार प्रकोष्ठ आज पूरा व्यापार मंडल पूरा रुपए टैक्स ज्यादा दे लेगा चलेगा, लेकिन उसको किसी गुंडे अपराधी का फोन ना उसको गिड़गिड़ाना ना पड़े। अगर पुलिस ने भी कहीं गलत किया है व्यापारी के साथ तो आपने देखा है एक इतिहास ये भी बना है जो जिले का कप्तान हुआ करता था उसके खिलाफ भी FIR लिखी गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी गई है और अगर वो खराब हुआ है तो उसके यहाँ 82-83 की कुर्की की भी कार्रवाई की गई है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने करके आज
पूरे एक सुर में, मैं पूरे 75 के 75 जिलों में दौरा कर रहा हूँ और 60 से ज़्यादा जिलों में दौरा कर चुका हूँ। सारे व्यापारियों में इस बात को लेकर के बहुत संतोष है और बहुत आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बना है व्यापार करने के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए। आज दुनिया के इन्वेस्टर और देश की बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार ये योजना लेकर के आई कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें डिप्टी SP को पोस्ट करें। ये सब कभी किसी सरकार ने सोचा ही नहीं, हमारी सरकार ने सोचा और उसका इम्प्लीमेंट भी करने का काम किया है। इसलिए व्यापारी हमारे साथ है और व्यापारी हमेशा से व्यापारी साथ रहा हो इस बार और खुल के बता के जता करके हल्ला मचा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट देने जा रहा है। आगाज में 8 जनवरी को पहुंच करके इस बार का